वो बिलाल साहब के लिए आका काम कर रही होगी, क्योंकि वो तो जो जिस बंदी को ले गए हैं वो खुद असल में बिलाल साहब ना अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें, उन्हें जवानी आई है। मेरा यही पैगाम है कि उसकी बाहें में बाहें डाल के एंजॉय करें। हाय हाय गल भैन, औरत ठंडी है तो ठंडे इलाके च लै गया तो काम खराब ही होना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाज़रीन, मिर्ज़ा बिलाल साहब ने रेहम खान से कर ली शादी और अब हनीमून मनाते फिर रहे हैं, बर्फानी इलाकों के अंदर हैं और कह रहे हैं कि ट्यूट कर रहे हैं कुछ ऐसा कि बर्फ़ तो बड़ी ठंडी है लेकिन किसी के लिए ये आग का काम कर रही है। यानी बर्फ आग का काम कर रही है, किसके लिए कर रही है? उसने सस्पेंस में डाल दिया मिर्ज़ा बिलाल साहब। शादी की मुबारकबाद तो आपको पहले ही दे दी मैंने, लेकिन ये आग का काम किसके लिए कर रही है ये तो मुझे आवाम ही बता सकती है। आइए लोगों से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, अल्लाह का करम है। तो ये शादीवादी करने लगे? शादीवादी करवाते हैं लोग, हमारे पास शॉपिंग करने आते हैं। सही गल है, ताड़े बगैर ब्याह नहीं हो सकता। अगर तुसी ना हो तो क्यों हो सकता है? लहंगा तो ताड़े को लेके जाना, उन्होंने बरी दे सूट ताड़े को लेने ने, बिल्कुल जेस दे कपड़े ताड़े को लेने ने, बिल्कुल। ते लुट रहे हो के सही रेट दे रहे हो? नहीं लुट भी रहे हैं जी, काका ने फिलहाल जो हरात है ने तरले कर रहे हैं कि आके लेके जाओ, कोई ज़ियारत ते कराओ, कोई गाहक ज़ियारत ते कराओ। हां जी यार, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? उमर मेरा नाम है, माशाल्लाह। उमर भाई मुझे ये बताइए, अगर रेहम खान ने शादी कर ली, हाँ तो करनी चाहिए ना, मिर्ज़ा बिलाल से की है उन्होंने शादी, तीसरी शादी हुई उनकी, तो पहले तो खान साहब की बीवी थी ना वो, जी जी, तो अब वो जो है ना बर्फानी इलाकों में घूम रहे हैं और वहाँ बिलाल साहब कुछ यूं कह रहे हैं कि ये बर्फ तो ठंडी है लेकिन किसी के लिए आग का काम कर रही है, किसके लिए कर रही होगी वो? बिलाल साहब के लिए आग का काम कर रही होगी, क्योंकि वो तो जो जिस बंदी को ले गए हैं वो खुद ही है। अगर तो मसला ये है ना कि वो गर्म हो तो वो अगले बंदे को ठंडा कर दे, ठीक है ना? अब वो खुद ठंडी है, किसी को गर्म उसने क्या करना, वो बेचारी खुद लेने के लिए तीसरा शादी की है। तो वो बर्फानी इलाकों में घूम रहे हैं? नहीं उधर नहीं जाना चाहिए, अगर चलेंगे हैं तो फिर बिलाल साहब को ये मशवरा कि वो गर्म खुराकें खाएं जरा सही से, अगर उसको गर्म करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है। लाइटा पिछो पै रही है ना, थोड़ा जहा इधर हो जाए, थोड़ा बल्कि थले आ, थोड़ा जहा थले आ जाओ, बूट पा लो, बूट पा लो, ए एक मिनट ठहरे नाज़रीन, बूट पा, ए देखो जी बूट पान गया जी, ए पा लेने बूट, कोई बूट पांदा है, कोई कुछ और पांदा, कोई सर्दियां च मतलब पांदा ही पौंदा होंदा, सर्दियां च बूट भी पाने पैंदे ने, जर्सी भी पानी पैंदी है, सारा कुछ पांदा, थल्लों हाईनेक भी पानी पैंदी है, उतो जैकेट पानी पैंदी है, रात नहीं पांदा, यकीन करो। हां जी सही, रात नूं ठंड होंदी ना बहुती, रात नूं रजाई च कंबल लैना पैंदा, और बड़ा कुछ लैना पैंदा। कैसी पुराने खुशे की शक्ल होंगी जा रही है, अल्लाह थोड़ी ख्याल करे, नहीं किसी की चूंज होती तो वह है खुशे वाला, वो मेरा यार, लव यू। अच्छा बिल्कुल ठीक। सर नाम बताया सर अपना? खुर्रम। खुर्रम, खुर्रम भाई क्या कहते हैं रेहम खान ने कर ली शादी मिर्ज़ा बिलाल साहब से? अच्छा। और मिर्ज़ा बिलाल साहब कह रहे हैं बर्फानी इलाकों में फिर रहे हैं, कह रहे बर्फ तो ठंडी है लेकिन किसी के लिए ये आग का काम कर रही है। अच्छा। यानी आग का काम किसके लिए कर रही है ये? यार पता क्या बात है, पहली बात है सियासत से मेरा तो कोई लेन देन नहीं, सियासत पे आई नहीं है, तो ब्याह की गल हो रही है, ब्याह देखांगे तो पता लगेगा ना, सानू फिल्मों के बारे में पूछो, किसी और बारे में पूछो, फिल्मों के बारे में नहीं, मसल की कौन सी आग, बर्फ मसल आग का काम कैसे कर सकती है बर्फ, पता की किसके लिए? ये खान साहब को वो तंज कर रहा है मेरे ख्याल, वो जब धुआं निकलता है ना वो समझते हैं शायद आग निकल गई है इसके अंदर से, ये भी हो सकता है, वो कहते हैं शव आग लग गई, आग लग गई गर्म गर्म। हाँ जी दिमाग खराब हो गया, चुड़िया लगे गए हो गया तीसरा, वो तो मैंने न्यूज़ कर ली, तीसरी शादी होगी, लेकिन मिर्ज़ा बिलाल साहब से उनकी शादी हुई है, ठीक है, और मिर्ज़ा बिलाल साहब कह रहे हैं कि भैया ये ना बर्फ बर्फानी इलाकों में फिर रहे हैं लेकर बेगम को, और बर्फानी इलाकों के अंदर घूमते हैं और घूमते घूमते ये ट्यूट कर रहे हैं कि ये बर्फ तो ठंडी है लेकिन किसी के लिए आग का काम कर रही है, किसके लिए आग का काम कर रही हो? सर जी गल भैन, औरत ठंडी है तो ठंडे इलाके चुन लै गया तो काम खराब ही होना, फिर आग ही लगनी उसे और की लगना।
यानी ठंडी औरत है, ठंडी औरत है दादी गल तीजे को जा रही गर्म इलाके च लैके जावे जिथे अग भी ना फील होवे ते काम भी हो जावे मूंगफलियां खाओगे चनगोजे खाओगे की खाओगे ऐसी हो सकती है मिर्जा बिलाल साहब जड़े ने ना वो लैके फिर रहे ने बर्फानी इलाकों च उन्होंने तो बर्फानी इलाकों च फिरते फिरते ट्यूट कर रहे ने कि ये बर्फ तो बड़ी ठंडी है लेकिन किसी के लिए ये आग का काम कर रही है किसके लिए बर्फ में से आग कैसे निकल असल में बिलाल साहब ना अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें उन्हें जवानी आई है सिर्फ ये बात असल बात अपने आप वो ऐसा साथ बता रहे हैं कि मैं अपने ऐसा साथ शो करूं कि मेरा इस टाइम क्या फीलिंग्स हैं मेरी क्या बात है मेरी अपनी फीलिंग्स शो कर रहे हैं वो बर्फ कुछ भी नहीं कह हाँ जी वो जिनसे जिनको जलाना चाहते हैं वो नहीं जलेंगे लेकिन वो अपने एहसास बता रहे हैं ऐसी बात है मेरी बात हाँ जी ऐसी बात ही है कि वो जिसको जलाना चाह रहे वो जलेंगे नहीं हाँ जी बिल्कुल सही बात है उसको जलने की क्या जरूरत है ऐसे ही है तो क्या पैगाम है आपका किन के लिए बिलाल साहब सर वो उनका ये पैगाम है कि वो ठंड रखें वो जलाने की बातें करें जो आग नहीं निकल हाँ जी वो जलाने की बातें करें वो खुद भी ठंड रखें जरा हाँ जी एहतियात करें सर्दी बड़ी है ऐसी कैनेडा में ज्यादा कैनेडा में तूफान है सर तूफान है एक वो वाला भी तूफान है कोई अपने तूफान को कंट्रोल में रखें थोड़ा सा नाम है दिलावर अली दिलावर नहीं फिर चार ही होंगे दिलावर जड़ा है ना चार ही करते हैं ऐसे ही नहीं दो तो ही ना जी दो ही है कितने दिन मने ना दो तो ही है चलो दो तो होगी अच्छा सर मुझे ये बताइएगा नाम क्या दिलावर दिलावर अच्छा मुझे बताएं जी दिलावर साहब दो शादियां आपकी हो गई और रेहम खान ने तीन कर ली हैं और मिर्जा बिलाल साहब के साथ उन्होंने शादी की है कम उम्र के लड़के हैं वो तो ट्यूट कर रहे हैं बिलाल साहब के जी बर्फ तो बड़ी ठंडी है लेकिन किसी के लिए ये आग का काम कर रही है यानी आग कैसे हो सकती है बर्फ के अंदर सर वो अब समझने वाली बात है ना अच्छा जी जाहिर आप भी आपकी मेरे से ज्यादा उम्र है आप तो ज्यादा समझदार हैं आपको पता चल गया वो क्यों कह रहे हैं मेरा ब्याह ना होने हैं तेरी खैर होगी मेरी दास आप इमरान खान वाली देख लो किवें अग बालदी फिरी सर आपको आपका सच में बताना दिल से कैमरा ऑन है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ हाँ जी बड़ी दफा कोशिश की अच्छा अच्छा ही हुआ कि आप आई गए मेरी शो पे थैंक यू यार ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी आपकी रोज समझ लेंगे मैं वीडियो देखता हूँ रोज अरे थैंक यू अच्छा ये मुझे बताएं कि आप कैसे बर्फ में से वो वीडियो है मेरे पास अभी निकाल सकते हैं जिसमें आप कह रहे हैं बस ये ना भी कर लेते हैं ना भी करनी है वो है हम वहां से फाइनल है दोनों ही चाहिए दोनों ही चाहिए बिल्कुल याद आ गया याद आ गया अब मैं क्या मेरा जेन नहीं ठीक रह रहे नहीं नहीं हाँ जी क्यों कह रहे हैं मिर्जा बिलाल किसको आग लग रही होगी बर्फ में से आग कैसे निकल सकती है सर जिन्हें आग लग रही है तो उन्होंने उन्हीं को कहा है उन्होंने पूरी आवाम को नहीं कहा अच्छा। उन्होंने मैसेज पहुंचाया जिसे जिस तक उन्होंने पहुंचाना था वो पहुंचा दिया लग गई है सर लग गई है लगी है तो ये बात आप आए असल बात ये है कि किसी को भी आग लगी है शादी की तो बहरहाल जिसको भी लगी है लगी और किसी को लोगों के कमेंट सुन लिए हैं कोई कहता है कि लगी है किसी कोई कहता है नहीं लगी है बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं बर्फ में से आग निकलती है समझो धुआं निकल रहा होता बंदे यही समझ रहे होते हैं गर्म है हालांकि ठंडी होती है हालांकि ठंडी होती है बहरहाल नाजरीन इनकी भी दो शादी हुई है और मेरी तो होनी है अच्छा हो गई है हो गई है कैमरा
दस नहीं सकता ना नहीं लैना ना नहीं लैना ना नहीं लैना ना नहीं लैना ठीक है लेकिन हो सकता है अगली प्लानिंग हो बहरहाल नाज़रीन हमारा काम होता है आपको हंसाना आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें इज्जत लें मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बेशक रब ही सब कुछ कर सकता है। मस्के जानों को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है। क्योंकि ससुरा आपके साथ है। साथ है। अल्लाह हाफिज़।